हेलो माय पीपल, माय फैमिली, होप यू ऑल आर वेरी फाइन एंड एंजॉयिंग योर लाइफ। वेलकम टू माय चैनल द सन टैरो 7777। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं उनके तरफ से क्या है लव लेटर, प्यार का पैगाम आपके लिए। चाहे तो ये आप अपने करंट हस्बैंड वाइफ के लिए भी देख सकते हो, ठीक है। तो स्पेशली यहाँ पे ये जो रीडिंग होगी आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से आपके लिए लव लेटर, ओके। तो ये हम देखने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में। ये जो रीडिंग होगी टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके पास आएगी उस वक्त की ये मैसेज होगी, ठीक है। और जेंडरलेस भी रीडिंग है, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग करके इस रीडिंग को देखिएगा। एंड चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर, ठीक है। और अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, कि आपके पर्सन आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं। सो पहले मैं कार्ड्स सेलेक्ट कर लूँगी, उसके बाद मैं आपको मैसेजेस एक एक करके बताऊंगी, आपके फ्यूचर स्पाउस बनकर बताऊंगी कि आपको क्या मैसेजेस ये पर्सन देना चाहते हैं, क्या है चैनल मैसेज। ओके वाओ दैट्स ग्रेट। ओके, हो सकता है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को अभी जानते हो, कुछ लोग जो है नहीं जानते हैं। जो भी हो आप जो है अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए देख सकते हो, ठीक है, सिंपल सी ये बात है। तो हम कार्ड सेलेक्ट करते जाते हैं और मैसेजेस देखते ही जाएंगे। ऑलराइट, चलिए कुछ कार्ड्स दूसरे डेक के थ्रू ले लेते हैं। ओके, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। आप लोग ये सोच सकते हो कि ये रिक्वेस्ट ही है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो। ओके ओके दैट्स ग्रेट। ओ माय गॉड, सन का कार्ड है, इट मींस काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। ओके, सो देखते हैं कि आपके पर्सन फ्यूचर स्पाउस क्या आपको लव लेटर देना चाहते हैं। ओके, ये पर्सन आपको ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं वर्क प्लेस में मिल सकते हैं कुछ लोगों के लिए, फुलफिलमेंट ऑफ विशेज, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। सो यहाँ पे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंटेंशन होगा इस पर्सन का आपके लिए, ठीक है। लव बिगिंस, दैट्स ग्रेट, पावर, एंड एक लास्ट कार्ड स्पिरिचुअल यूनियन, अमेजिंग। काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आपके लिए आए हैं, तो देखते हैं, पढ़ते हैं कि क्या कुछ मैसेजेस आपके पर्सन आपको देना चाह रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हेलो माय डियर लव, माय हस्बैंड, माय वाइफ, सबसे पहले तो मैं तुमसे ये पूछना चाहूँगा कि तुम इतनी स्वीट कैसे हो, इतनी प्यारी कैसे हो। मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा तो तुम्हारे प्यार में पड़ गया, तुम्हारे ऊपर लट्टू हो गया, तुम्हारी तरफ फ्लैट हो गया, इतनी प्यारी हो तुम। हाँ, ये मानता हूँ कि मैं तुम्हारे लुक्स पे भी बहुत ज़्यादा मरता हूँ। लोग कहते हैं कि लुक्स पे मरते हैं, लेकिन हाँ, मैं लुक्स पे भी तुम्हारे मरता हूँ, और तुम सच में बहुत ज़्यादा दिल की भी अच्छी हो। मैं तुमसे दिल से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मन करता है तुम्हारे साथ घूमूँ फिरूँ, इंजॉय करूँ, तुम्हारे लिए इतना कुछ कर दूँ ताकि तुम्हारी ज़ुबान पर सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम रहे। मैं तुम्हारे साथ रोमांस करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। जब तुम रो तो तुम्हारे आंसुओं पोंछना चाहता हूँ। इस तरह की प्यार, इस तरह की एनर्जी मेरे अंदर उभरती है तुम्हारे लिए। मन करता है कि जितने विशेष हैं तुम्हारे, जितने भी विशेष तुमने आज से बचपन से लेकर आज तक जितने भी विशेष तुमने देखे, वो हर विशेष मैं तुम्हारे पूरा करना चाहता हूँ, और वो मैं करके रहूँगा। और जब तुम कभी मुझसे बोर हो जाओगी तो मैं तुम्हें इतना मनाऊंगा कि तुम फिर से मुझसे एक बार प्यार कर बैठोगी। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, और मेरी नज़र सिर्फ और सिर्फ तुम पर रहती है। जब से तुमसे शादी की है, एक अलग सा ही नशा छाया हुआ रहता है। तुम्हारे लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, तुम्हारे हर एक दर्द को अपना बनाना चाहता हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी जो है खुशियों से भर देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात, जो मैंने इतने सारे सपने देखे हैं उसमें सबसे प्यारा सपना ये है कि हमारा एक बेबी हो, उसके साथ हम खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, हम भी एक बच्चे की तरह बन गए हैं। और ये जो कनेक्शन है हमारा, मुझे पता है
भगवान ने, यूनिवर्स ने मुझे बताया है कि हमारा कनेक्शन एक बहुत बहुत प्यारा स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इतना प्यार मैंने कभी भी किसी के साथ फील नहीं किया। एक अलग सा ही वाइब्स, एक अलग सा ही जुनून आता है तुम्हें देखकर, तुमसे बात करके, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं डरा हुआ रहूँ या फियर में रहूँ या घबराया हुआ रहूँ, मेरा काम जो है कुछ नहीं हुआ हो, तो तुम उस वक्त मेरा साथ दो, मेरे आंसुओं पूछो। जिस तरह से मैं तुम्हें प्यार करूँ, उस तरह से तुम भी मुझे प्यार करो। बस मैं तुमसे एक ही चीज़ चाहता हूँ, वो है तुम्हारा प्यार, और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। देखना, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूँगा। जितने भी तुम्हारे लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं, दर्द हैं, वो सब कुछ मैं दूर करूँगा। तुम्हारी पर्सनल हीलिंग करूँगा, हैप्पीनेस लाऊँगा, और जितने लोगों ने तुम्हें दुख दर्द दिया है, उसे सभी लोगों से मैं बदला भी लूँगा, और सभी इंसान को, जितने भी बुरे इंसान हैं, सभी को तुम्हारे लाइफ से निकाल फेंकूँगा, डिलीट कर दूँगा। मेरी नज़र हमारी हमेशा ही तुम पर रहेगी। तुम खुश हो या दुखी हो, उस चीज़ का मैं हमेशा ख्याल रखूँगा, मैं वादा करता हूँ तुमसे। हमारे रिलेशनशिप में बैलेंस रहेगा, खुशियाँ रहेंगी, इस चीज़ का भी मैं तुमसे वादा करता हूँ। मैंने कुछ सोच समझ कर तुम्हें अपना फ्यूचर स्पाउस पार्टनर बनाया है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला, तुम्हारे जैसा इंसान मुझे कभी नहीं मिल सकता है। मेरी बस कुछ विशेज है जो मैं अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ चाहता था, अब वो मैं तुम्हारे साथ पूरा करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी की खूबसूरत सी पार्टनर हो। मैं सारे विशेज तुम्हारे साथ पूरा करूँगा। वो विशेज है ट्रैवलिंग, प्यार करना, घूमना, रोमांस करना, वो सब कुछ मैं तुम्हारे साथ पूरा करने वाला हूँ। मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करता हूँ जब तुम मेरे साथ होती हो। एक अलग सी एनर्जी होती है, एक लायनेस, एक लायन टाइगर वाली एनर्जी फील आती है। लगता है दुनिया की हर चीज़ें मैं कर सकता हूँ जब तुम मेरे पास रहती हो तो। और जब तुम चली जाती हो तो कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, कुछ नहीं है। इसलिए तुम मेरे पास हमेशा रहना, प्यार करते रहना। और मुझे ये तो बिल्कुल पता है कि हमारा जो प्यार है, रिलेशन है, मैरिड लाइफ है, वो ब्लेस्ड है यूनिवर्स की तरफ से। इतनी सारी खुशियाँ हैं, इतने सारे भर भर के रोमांस है, बहुत ज़्यादा। बस हाँ, कभी कभी हमारे बीच अप्स एंड डाउन्स आएंगे, ये मुझे पता है, पर उस वक्त मेरा साथ मत छोड़ना। मुझे मनाना, नहीं तो मैं तुम्हें ज़रूर मनाने आऊँगा। उसके साथ साथ मैंने एक तुम्हारे साथ बहुत प्यारा प्लान देखा है कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, और उसमें जब तक तुम्हारा साथ नहीं होगा तब तक वो इनकम्प्लीट है, कुछ नहीं है। और जिस दिन तुमने मेरा साथ दे दिया उन सारी चीज़ों में, मेरे ड्रीम्स में, मेरे गोल में, उस दिन मैं दुनिया की हर चीज़ें हासिल कर लूँगा। जब तुम मुझसे गुस्सा रहोगी तो मैं तुम्हारी हर एक गुस्से को, चिड़चिड़ेपन को सह लूँगा, सुन लूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत प्यारा सा लिसनर बनूँगा। वैसे तो मैं किसी की नहीं सुनता, लेकिन तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा गुड लिसनर बनने वाला हूँ। अब मेरी ज़िंदगी का हार जीत जितना कुछ भी है, वो सब तुम पे डिपेंड करता है। तुम रहोगी तो मैं बहुत जीतूँगा, बहुत आगे जाऊँगा, तुम चले जाओगी तो मैं हार जाऊँगा, ये क्लियर है। तुम रहोगी तो हमारी प्यार जो है बहुत स्ट्रांग होगी, हमारी बाउंडिंग जो है स्ट्रांग होती चली जाएगी, और दुनिया की सबसे स्ट्रांग बाउंडिंग हमारी होगी। हर दिन एक नई उम्मीद की किरण आएगी हमारी ज़िंदगी में, और हमारा प्यार जो है और भी स्ट्रांग होता चले जाएगा। ऐसा लगेगा कि हर दिन हम नया प्यार कर रहे हैं, हमारे बीच एक अलग सा रोमांस होगा, वो हमेशा बढ़ता चला जाएगा। इतना ज़्यादा प्यार होगा हमारे बीच। मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी बोर सा फील होने नहीं दूँगा, कभी तुम्हें ऐसा फील ही नहीं होने दूँगा कि हमारा प्यार जो है पुराना हो गया है। हमारा प्यार हर दिन नया होगा और हर दिन न्यूएस्ट होता चले जाएगा, बहुत खुशहाल होगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत सा घर बनवाने वाला हूँ, वादा करता हूँ, जो कि वो बहुत खूबसूरत सा प्लेस भी होगा, बिल्कुल नेचुरल प्लेस पे होगा, जैसा तुम चाहोगी एग्जैक्टली वैसा ही होगा। और वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल से रोज़ेस के फ्लावर होंगे, ब्यूगेनवेलिया फ्लावर होंगे, जो कि मेरे फेवरेट भी हैं और तुम्हारे फेवरेट भी हैं। लेकिन एक चीज़ मैं सह नहीं पाऊँगा अगर तुम किसी और से बातें करोगी, इसलिए मैं थोड़ा पोसेसिव भी हूँ, ये मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ।
मुझे पता है कि तुम्हें ये पसंद आएगा कि मैं तुम्हारे लिए पोसेसिव हूँ, मैं तुम्हारे लिए इतना फिक्र करता हूँ। आजकल इस ज़माने में कौन इतना पोसेसिव होता है, लोग एक दूसरे को छोड़ देते हैं, अपने पार्टनर को, वाइफ हस्बैंड को, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा पोसेसिव हूँ, अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा पोसेसिव रहूँगा, उनके हर एक ज़रूरतों को पूरा करूँगा और तुम्हारे भी। तुम्हें एक प्रिंसेस की तरह रखना चाहता हूँ, क्वीन की तरह रखना चाहता हूँ, किंग की तरह रखना चाहता हूँ, प्रिंस की तरह ट्रीट करना चाहता हूँ। हमारा जो कनेक्शन है ना, वो एक सोलमेट का कनेक्शन है और इससे बेहतर कनेक्शन तो मुझे अपनी ज़िंदगी में नहीं मिलता है। इस ज़िंदगी के लिए मैं भगवान से आभारी हूँ, ग्रेटफुल हूँ कि तुमसे मिलवाया। थैंक यू सो मच गॉड और थैंक यू सो मच माई लव। मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरी ज़िंदगी में हो और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी किसी और के लिए। जिस दिन छोड़ के चली गई तो वो प्यारा प्यार जो है हमारा बिल्कुल फेक सा होगा ना, अधूरा सा होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाओगी, क्योंकि हमारी एनर्जी बहुत डिफरेंट है, हमारा जो ऑरा है बहुत मैच करता है, हम बिल्कुल एक जैसा सोचते हैं, हमारे बीच काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था तो बिल्कुल ऐसा किया कि बस चलकर शादी कर ले, लेकिन फिर भी वेट करना पड़ता है, रिचुअल्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उसके बाद शादी होती है। मैंने इंतज़ार किया, शादी की, अब मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ये जो बॉन्डिंग है वो कभी टूटेगा नहीं, वो ये जो स्ट्रेंथ है हमारे बीच हमेशा ही बढ़ता चला जाएगा। चाहे मैं तुमसे कुछ दिन के लिए दूर हो जाऊँ काम के सिलसिले में, उस वक्त तो हमारा प्यार और भी बढ़ता चला जाएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा तुम अकेला फील कर सकती हो, बोर फील कर सकती हो उस वक्त, लेकिन कुछ वक्त इन लॉस के साथ भी बिता लेगा, टाइम स्पेंड कर लेगा, लेकिन फिर मैं तुम्हारे पास दौड़ा दौड़ा जल्दी से चला आऊँगा। और जब वो दिन खाली रहेंगे ना, तो उस टाइम में बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स के थ्रू अपने मैसेजेस भेजा करूँगा, क्योंकि हमारे बीच तो टेलीपैथिक कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो तुम समझ जाओगी कि मैं तुम्हें क्या बोलना चाहता हूँ। और जिस टाइम तुम्हें बटरफ्लाइज, बर्ड्स, रेन, ये सारे मैसेजेस आए, तुम समझ लेना कि हमारा प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, वो ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। एंड वन मोर थिंग मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं वादा करता हूँ कि हमारे बीच का जो रोमांस होगा ना, वो बहुत यूनिक होगा, बहुत डिफरेंट होगा। मैं तुम्हारे लिए हमेशा नए नए सरप्राइजेस लाकर रखा करूँगा, तुम हमेशा, मैं तुम्हें सॉल्व कर दूँगा कि इतने अच्छे अच्छे सरप्राइजेस कौन किसे देता है। और मतलब तुम इतने ज़्यादा लकीस्ट खुद को फील करने वाली हो कि तुम आगे चल के ही इमेजिन करोगी। जिस तरह से तुमने मुझे फ़ील कराया है कि मैं सबसे लकी हूँ इस दुनिया का, उस तरह से तुम भी फील करोगी कि तुम भी सबसे लकी हो इस दुनिया की, और हमारा प्यार भी सबसे लकी, सबसे यूनिक है। सो मैं चलता हूँ, इट्स माय मैसेजेस, ये सारे मैसेजेस थे मेरे तरफ से तुम्हारे लिए। आगे मैं फिर आऊँगा और सारे मैसेजेस मैं तुम्हें बताते रहा करूँगा। सो माय डियर फ्रेंड, ये था आपके पर्सन का लव लेटर, आपके फ्यूचर स्पाउस का लव लेटर आपके लिए। सो अब देखते हैं कि इस पर्सन का नेम इनिशियल क्या हो सकता है, ठीक है। सो आपको क्लियरिटी मिल सके, ई हो सकता है एंड जी हो सकता है, ई एंड जी, एंड यहाँ पे ए भी हो सकता है, आई हो सकता है, एच, वाई, डब्लू, डी, क्यू, जे, बी, एल, टी, सी, पी, के, आर, एंड एक लास्ट देखेंगे वो है एक्स। तो ये सारे नेम इनिशियल है जो कि आपके फ्यूचर स्पाउस के हो सकते हैं, ओके। सो अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। यहाँ आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।